Hey, feel I'm in the mood for a switcher. Till I hiccup, I hit the stage and leave with money that's a sticker. Picture perfect, so I told him I'm a flicker. So finally, I'm back in Motovlog. Turn with my changer. They got amnesia, don't remember how they play. It feels so good to be back. अब देखो, तुम्हारी और मेरी टाइमलाइन में थोड़ा आगे पीछे है। अब आपके हिसाब से आपने मेरा आखिरी मोटोव्लॉग जून में देखा था, लेकिन वो मोटोव्लॉग शूट मैंने जनवरी में किया था और अभी जैन आने में सिर्फ 2 महीने और बचे। सो यह ऑलमोस्ट साल तो हो ही गए। आज मैंने अपने बूट नहीं निकाली, पहला रिफिल पेट्रोल, पेट्रोल बहुत ज्यादा लग रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का अपना एक अलग मजा है। आज का मोटो व्लॉग कोई राइड नहीं है, पर ऐसे ही मन किया कि आज कहीं घूम आते हैं, और उत्तन से बेहतर और नजदीक जगह और कौन सी हो सकती है, तो इसलिए मैं आज जा रहा हूँ उत्तन बीच। बीच तो वैसे मेरे घर के यहाँ पे भी 2 है, बट उत्तन बीच की खास बात यह है कि खाली रास्ते, पेड़ से घिरे हुए रोड और ठंडा मौसम, डेडली कॉम्बिनेशन। आज मैं उत्तन तकरीबन 3 साल बाद आ रहा हूँ, ऑल दो इस पर मैंने पहले एक व्लॉग भी बनाया जो कि चल नहीं पाया, मगर उस वीडियो को मैं आज की वीडियो से कंपेयर करूँ तो मेरे व्लॉग में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। उस टाइम ना मेरे पास स्किल्स थे, ना मुझे पता था कि व्लॉग कैसे बनते हैं, ना मेरे पास कोई कैमरा सेटअप था। सो यह काफ़ी अच्छा लगता है ऊपर खड़े देखे नीचे देखने में, और अभी तो और ऊपर जाना है। वैसे ये सभी बातें तो आदमी 1 लाख या 1 मिलियन पे करता है। भले ही मैं अपनी ग्रोथ से खुश नहीं हूँ, बट मैं अपने वीडियो आउटपुट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ मेरा नेक्स्ट व्लॉग पिछले वाले से डिफरेंट हो। सो यह जैसा चल रहा है बस चल रहा है, होपफुली आने वाले साल में कुछ हो जाए अपना। यकीन नहीं होता कभी कभी कि 1 साल और बीत गया बिना कुछ किए, वही सब्सक्राइबर बेस, वही ज़िंदगी। बस ये सोच के अच्छा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसका साल बर्बाद हुआ है, थैंक्स टू यू ऑल। अब देखो, न्यू राइड का सीन बना तो है, जनवरी में मेरा नेपाल जाने का प्लान है। अभी मैं कोई कंफर्मेशन दूंगा नहीं क्योंकि अब तक फाइनल हुआ नहीं है, बट जब फाइनल हो जाएगा आपको इंस्टाग्राम पे पता चली जाएगा। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मगर हाँ, नेपाल से पहले मैं वाराणसी जाऊँगा। ये कोई वाराणसी कोई राइड नहीं होगी, मैं ट्रेन से जाने वाला हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया है सिनेमेटिक वीडियो टाइप का, तो वो बनाने के लिए मुझे ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ मोटो व्लॉग और सिनेमेटिक को साथ में जोड़ने की, बट ये दोनों चीज़ आग पानी जैसा है, साथ में मिल नहीं पाते। या तो वो सिर्फ मोटो व्लॉग ही रह जाएगा या फिर एक सिनेमेटिक वीडियो। दिस इज़ द प्लेस। इवन दो आज संडे, यहाँ पे फिर भी उतनी भीड़ नहीं है, और यूजुअली यहाँ पे ऐसा ही देता है बिकॉज मुंबईकर्स की नज़रों से अब तक ये बीच काफ़ी ज़्यादा हिडन है, एंड यहाँ पे फिशिंग वगैरह का काम बहुत ज़्यादा होता है। जब मैं रस्ते से आ रहा था आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे लोग प्रॉन्स वगैरह का कारोबार कर रहे थे, और यहाँ पे थोड़े बहुत चर्च है। और अगर इस रोड से आप सीधा जाते हो तो ऊपर की तरफ एकदम कमाल का व्यू पॉइंट है। ऑल दो आज मैं वहाँ पर जा नहीं रहा हूँ बिकॉज वहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, एंड आज मैंने इलेक्ट्रिक बाइक लाई है तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए। सो यह दैट्स इट। ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया क्योंकि YouTube में अब मैं थोड़ा और ज़्यादा कंसिस्टेंट होना चाहता हूँ। बहुत टाइम से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था, और कोई इंटेंशन था नहीं इस व्लॉग को मेरा रिकॉर्ड करने का। सो ये सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड।